बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शिरा जी श्यामा जी की मेज से पूर्व वीडियो में हमने जल रोज पर आई छोटक त्योरियों की शोभा देखा। केल पुल और बट पुल के मध्य जमुना जी की जो जल रोज आती है, उन रोज पर छूटक त्योरियों की शोभा को देखा। अब बढ़ते हैं पाठ घाट की ओर। श्री रंग महल के धाम दरवाजे के सन्मुख आई उन विशाल सीढ़ियों से उतरकर चांदनी चौक में आई। चांदनी चौक के उन मध्य रोज से होते हुए, अमृत वन की मध्य रोज से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ओर नहरों की सुंदर शोभा, नजर ऊपर की तो वनों का सुंदर शीतल चंद्रमा। इन अमृत वन की मध्य रोज से होते हुए हम सीधा पुखराजी रोज पे पहुंच गए। इन मध्य रोज और पुखराजी रोज का लेवल समान रूप से। आगे 250 मंदिर की हमने वन रोज और पुखराजी रोज को मिलाकर भी वन रोज कहा जाता है, तो हमने 750 मंदिर की वन रोज पार की। आगे 3 सीढ़ी चढ़कर हमने पाल को पार किया। पुने 3 सीढ़ी उतरकर हम जल रोज पर आ गए। जल रोज को पार करेंगे तो यहाँ देखेंगे इन रोज के ठीक सन्मुख जल में डूबे 4 थंभों की 4 हारे, 16 थंभ नीलवी के जल में डूबे हुए और उन पर एकल पाठ इन जल रोज से मिलान किया हुआ। जो ये पहली हार नीलवी के थंभों की है, वो जमुना जी की तरहटी की दीवार में अक्षी थंभाए हैं। तो हर दिशा में हम देखेंगे 4 थंभ, उनमें 3 मेहराबे। इन पर जो एकल छत होती है उसमें घेर कर 12 थंभों की सुंदर शोभा। 4 कोने पर नीलवी के थंभ, श्री रंग महल की ओर 2 थंभ पांच के, पुखराज की तरफ 2 थंभ पुखराज के, अक्षरधाम की तरफ 2 थंभ माणिक के, माणिक पहाड़ की तरफ 2 थंभ हीरा के। तो श्री रंग महल की ओर हरित आभा फैलाता सुंदर द्वार, पुखराज की ओर स्वर्णिम आभा से युक्त अक्षरधाम की ओर माणिक का जगमगाता द्वार, और माणिक पहाड़ की ओर हीरे के द्वार की सुंदर शोभा। इनसे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और एक सुंदर शोभा देखेंगे कि ये जो पाठ घाट है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है और ये थम 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ हम देखेंगे 50 मंदिर की दूरी पर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा थंभ। 125 मंदिर तक हमने शोभा देखी जल चबूतरे की, आगे 25 मंदिर और। तो ये थंभ तो जमुना जी की भूमि पर गहराई से उठते हुए, लेकिन ये थंभ इनके तले जो करनाले आए हैं उनकी कमर भर गहराई है, क्योंकि ये थंभ इन जल चबूतरे से उठते हुए। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा, इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, श्री रंग महल की तरफ 5 के 2 थंभों के मध्य सुंदर द्वार, माणिक की तरफ हीरा के थंभों के मध्य सुंदर द्वार, पुखराज की तरफ पुखराजी आभा लिए थंभ और अक्षरधाम की ओर माणिक के थंभ। ऊपर एकल छत, छत पर देहोरी घूमट कलश ध्वजा पताका की शोभा, और 125 मंदिर तक इन देहोरी की नोक से झलकता हुआ वनों का छत्री मंडल। तो सुंदर शोभा,
पाठघाट की। जैसा पाठघाट श्री रंग महल की तरफ है, वैसा ही पाठघाट अक्षरधाम की तरफ भी। जल में डूबे चार थंबों की चार हारे, 16 थंब उन पर एकल पाट, उन पर घेर कर आए 12 थंब और उनकी छत पर चांदनी की शोभा। सुंदर पाटघाट की शोभा। और हमने शोभा देखी थी जब जमुना जी केल पुल के तले से आती है तो 10 घड़ियालों से होती हुई 10 धाराओं के रूप में आती है, 10 नहरों के रूप में। तो 3 नहरें तो श्री रंग महल की इन पाटघाट के तले से जाती हुई, 3 नहरें अक्षरधाम के तरफ के पाटघाट के तले से जाती हुई और 4 नहरें इन दोनों के मध्य से जाती हुई। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए 4 थंब 3 मेहराबे 3 घड़ाले, तो यहाँ से जल की 3 धारा जाती हुई और जल की 3 धारा इन पाटघाट के तले से जाती हुई और 4 धाराएं इन दोनों पाटघाट के मध्य खुले रूप से प्रवाहित होती हुई। तो ये सुंदर शोभा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं केल पुल और बट पुल के मध्य जो पाल पर बड़ो वन की वृक्षाएं हैं उनकी शोभा को। प्रणाम जी सुंदर साहब जी।